हेलो एवरीवन, शेर चला लखनऊ। शेर अभी तेल भराएगा अपनी बाइक में और उसके बाद कल निकलेगा शेर सुबेरे लखनऊ। तो कल बनेगा लखनऊ का ब्लॉग, तो स्टे ट्यून विद अस गाइस, विद अस। शेर अभी जाएगा पेट्रोल पंप पे और अपने सबसे ट्रस्टेबल पेट्रोल पंप से शेर पहले तेल डलाएगा, फिर कल सुबह सुबह शेर निकलेगा लखनऊ के लिए। तो कैच यू लेटर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज लास्ट दिन मेरा ख़त्म होता है यहाँ बनारस में। अब शेर निकलेगा लखनऊ की तरफ। तो आप देख सकते हैं टाइम क्या हो रहा है। लेट्स गो टू लखनऊ। Finally, it's time to say goodbye. And it's morning, 4 o'clock. Helmet laid up. यहाँ देर नहीं रुकूंगा इधर। नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज लखनऊ गाइस। सो कैच यू ऑल इन द मिडल ऑफ द वे। ओके, स्मार्ट लग रहा हूँ क्या? ओके, ऐसे ही ठीक है। हाय बाय। अरे बाय बाय, हाथ तो हिलाते। हम लोग धीरे धीरे लखनऊ की ओर पहुंचते हुए, तो ये है हमारा बनारस का रिंग रोड जो बाहर बाहर कनेक्ट करता है आपको संदहा से लेके सीधे हरहुआ तक। तो अब हम हरहुआ पहुंचने वाले हैं। हरहुआ से हम राइट टर्न लेंगे जौनपुर के लिए। हम जौनपुर वाले रास्ते से जाएंगे लखनऊ। सो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड लेट्स एंजॉय द राइड। हेलो एवरीवन, तो हम लोग पहुंच चुके हैं जलालपुर। तो धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर पहुंचते हुए और इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल व्यू। अब मॉर्निंग थोड़ी देर में ही सूरज ज़्यादा निकलेंगे। ये देखिए जलालपुर, हम जलालपुर क्रॉस करते हुए। तो कैच यू लेटर, स्टे ट्यून विद अस। टोल प्लाजा जौनपुर का। तो हम लोग जौनपुर पहुंच गए हैं अपने मंजिल के थोड़ा और नज़दीक। तो लेट्स सी हम कितने बजे तक पहुंचते हैं। तो एज यू ऑल कैन सी जौनपुर आ चुके हैं, जौनपुर पहुंच गए हैं। तो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड एंजॉय द राइड।
धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर पहुंचते हुए एज यू ऑल कैन सी, यहाँ से लखनऊ अभी 217 किलोमीटर बाकी है और काफी अच्छा व्यू आ रहा है। तो होप जल्दी ही पहुंचेंगे अपनी मंजिल के पास। सो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड एंजॉय द राइड। Beautiful, good morning. फिर चलते हैं अपने टारगेट की ओर। सो धीरे धीरे अपने मंजिल के पास पहुंचते हुए। सो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड एंजॉय द राइड। सुल्तानपुर से पहले का टोल प्लाजा एंड वी आर बहुत ज़्यादा निकट टू सुल्तानपुर। ये सुल्तानपुर से पहले का टोल और अपनी मंजिल के काफ़ी करीब पहुँचते हुए हम ये देखिए व्यू। काफ़ी क्लोज हम लखनऊ के। तो अब जाके हुआ है 150 किलोमीटर। अब यहाँ से लखनऊ 150 किलोमीटर है। सो बार बार रुक रहा हूँ मैं, बार बार तो नहीं रुक रहा हूँ, व्यू अच्छा दिख रहा है तो उसके लिए रुक जा रहा हूँ, क्योंकि बाइक पे बैठे बैठे गेंद फट गई है तो उसी को थोड़ा रेस्ट दे रहा हूँ। अब कुछ ही देर में, एक दो घंटे के अंदर अंदर में हम लखनऊ पहुँच जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड एंजॉय द राइड एंड हैव अ लुक ऑन अ ब्यूटीफुल व्यू। एक और टोल। अब ये पता नहीं, ये सुल्तानपुर के बाद का टोल है, जो भी है यही है। एज यू ऑल कैन सी क्या सिस्टम है इधर, बाइक का तो खुला है। सुल्तानपुर के बाद वाला टोल है ये। इस जगह का मुझे नाम बिल्कुल भी नहीं पता है और यहाँ स्टॉप लिया और शेर खाएगा पकौड़ी। आपको भी अगर खाना है तो आप अपना खरीदिए, इधर मत देखिए। और अब शेर पकौड़ी खा के तैयार, शेर अब निकलेगा वापस अपनी जर्नी पे। ओके, थैंक यू फॉर दिस पकौड़ी, लेकिन फ्री में थोड़ी दिया है, कोई बात नहीं, फिर भी थैंक यू। ये एक और टोल आता हुआ लखनऊ के बीच में, पता नहीं ये कौन सी जगह है, लेकिन एक और टोल आ गया है। अब ये टोल पार करेंगे हम, तो उसके बाद अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 40 किलोमीटर के करीब में डिस्टेंस बच जाएगी लखनऊ के लिए। फाइनली हम पहुंच गए लखनऊ।
सी, हम लखनऊ पहुंच गए। शेर शेर लखनऊ पहुंच चुका है। हाँ, आई विल कैच यू लेटर। फाइनली गाइस, हम लखनऊ पहुंच गए। ये देखिए यूपी पुलिस का हेडक्वार्टर, डायल 112 यूपी पुलिस हेडक्वार्टर। हम लखनऊ पहुंच गए गाइस। शेर की गैस फट गई है भाई, चलाते चलाते शेर पहुंच के सोएगा, उसके बाद कुछ करेगा, लेकिन पहुंच गए, आखिरकार पहुंच गए। ये देखिए, ये है कौन सा मॉल है रे भाई, ये प्लासियो है। ये उसके बगल में हो रहा हमारा इकाना स्टेडियम। झगड़ा तो लग रहा है यार, इकाना इकाना है। ये देखिए, ये है इकाना। ये ही गाना है। अदब से हराएंगे लखनऊ सुपर जायंट्स। हेलो, फाइनली वी आर रीच। अभी रीच नहीं, अभी पहुंचेंगे। तो गाइस, कैच यू लेटर। हम अपनी गाड़ी लेके अपने मित्र के आवास के समीप पहुंचते हुए, कई दिनों बाद लखनऊ में पुनः आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इधर से अगर राइट लेते हैं तो ये हमारे ग्राउंड का रास्ता है, ये इधर हमारा ग्राउंड जाएगा, लेकिन अभी ग्राउंड जाने का कोई मतलब नहीं है। अभी हम चलेंगे अपने मित्र के आवास पे। हमारा मित्र रहता है सुलभ आवास में, रईस है थोड़ा सा, लेकिन गरीब भी है, दोनों है। तो हम धीरे धीरे अपनी गाड़ी से सुलभ आवास के समीप पहुंच। तो गाइज, ये है जनेश्वर मिश्रा पार्क, गेट नंबर 7, और ये है सुलभ आवास। तो हम अभी भी धीमे धीमे रफ्तार से अपने बात तेरी का रोड बन गए ले भाई, और धीरे धीरे रफ्तार से अपने दोस्त के निवास के समीप पहुँचते हुए ये रोड बन गई है। काफ़ी अच्छा लगा ये रोड देख के। वो देखिए, वो काली वाली इंडिवर खड़ी मेरे दोस्त की, अमीर है लेकिन गरीब भी है। वीडियो इसकी इंडिवर की बनाने के चक्कर में आगे आ गया, मुझे फिर से इधर से घूमना पड़ेगा। गाइज, कोई बात नहीं, घूम लेंगे, इतना घूमे हैं, थोड़ा सा और घूम जाएंगे तो क्या ही हो जाएगा। गाड़ी ही गाड़ी, एज यू ऑल कैन सी, सुलभ आवास में काफ़ी रईस लोग रहते हैं। तो हम धीरे 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 करके अपने दोस्त के आवास के निकट पहुंचते हुए, ये ब्रेजा किधर आएगी रे भाई, ये तो उधर घूम गई। ओके, तो ये आ गए हम अपने दोस्त के आवास पे। H44 सुलभ आवास। सौरभ, सेर कैसे आया? बाइक से अकेले आया है? और क्या, सेर अकेला आता है। चाप दे लीजिए। अब गर्मी नहीं लगेगी यहाँ पे।
मैं तेरी इंडीवर दिखाने आगे चला गया था। तो लखनऊ पहुंचने के बाद हम अपने दोस्त की गाड़ी लेके दोस्त के दोस्त से मिलने जा रहे हैं। आपको एक नए शख्स से मिलवाना चाहता हूँ, हमारे सीनियर रोहित भैया। हाय कर दीजिए। सनरूफ खोल तो क्या है ये गर्मी में ही। और हमारे कुछ मित्रगण बाहर गए हैं सामग्री लेने। ये आग